रोहतक से पानीपत हाईवे पर गांव मकरोली के पास आज दोपहर बाद कार और बस की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोहतक से पानीपत की तरफ जाने वाली हरियाणा रोडवेज की बस हाईवे का डिवाइडर क्रॉस करके रॉन्ग साइड चली गई और गोहाना की तरफ से आती हुई कार में जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। वहीं हादसे की सूचना पाकर सदर थाना रोहतक की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस पहुंचा दिया गया है। एक्सीडेंट हुआ है, आपने कुछ देखा इसके बारे में? देखा। क्या कुछ हुआ है? ये गाड़ी है लाल रंग की 2026 मेरे को क्रॉस करके आई पीछे मोटरसाइकिल बता ये मेरे क्रॉस करके आई इधर से रोडवेज आई है रोडवेज डिवाइडर कूद गई इसके बाद और मारी उसी टाइम खत्म। हमने बांट के देखा तो मोटरसाइकिल खड़ी करके उन्होंने सांस नहीं आता बिल्कुल उस टाइम खत्म। कितने आदमी है इसमें? दो आदमी दोनों जेवीटी मास्टर है। एक लड़के ने राइडर देखा है उन्होंने बताया दोनों जेवीटी मास्टर है और उसको पीछे स्कूल है स्कूल में है ये स्कूल की छुट्टी के बाद आई। तो रोडवेज में सवारी भी थी? सवारी थी काफ़ी कई मेरे ख्याल 30-35 सवारी शायद है। तो कंडक्टर ड्राइवर है मौके कंडक्टर और मौके पर उन आगे देखा था और फिर सवारी उनके चिपकड़ लगी फिर पबले ने डरा दिया भाई पबले सारा भी नुकसान ज़्यादा देखा हुआ वहीं है पीछे खड़े हैं।